नमस्कार दोस्तों, वल दर्पण में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार, आज इस वीडियो में बात करेंगे मोडल एक्चुअली बल्ब H2, M2 और R2 के बारे में। यदि आप H2, M2 और R2 के यूसेज को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही इजी तरीके से H2, M2 और R2 के यूसेज को समझ पाएंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं H2, M2 और R2 के यूसेज के बारे में। तो H2, M2, R2 का यूसेज कब करते हैं? तो जब भी किसी हिंदी वर्ड के अंत में ना है, नी है, ने है, .. etc. और ये जो ना है, नी है, ने है जो होते हैं, तो ये हमारा इच्छा अनुसार होते हैं। यानी कि कहने का मतलब, जब आपके मन में कोई भी इच्छा हो तभी हम H2, M2 और R2 का यूसेज करते हैं। तो ये तो हो गया सिर्फ पहचानने का नियम। अब हम आपको बताते हैं कि आप H2, M2 और R2 के हेल्प से किसी भी सेंटेंस को कैसे बनाएं। तो मान लीजिए H2, M2, R2 का जो स्ट्रक्चर है बनाने के लिए, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार जिसमें इज लगना है, इज जिसमें हम लगना है, मुझमें आर लगना है, आर, उसके बाद टू का यूसेज करेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट का, फिर अदर वर्ब लगने फुल स्टॉप का। यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूसेज करेंगे, उसके बाद इज, एम, आर का, उसके बाद नॉट का, फिर टू का, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट का, फिर अदर वर्ड लग प्लीज का। यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव में हो तो सबसे पहले हम इज, एम, आर का यूसेज करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूसेज करेंगे, उसके बाद टू का यूज करेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का, अदर वर्ड लग क्वेश्चन मार्क। और यदि सेंटेंस WNH हो तो सबसे पहले हम WNH वर्ड का यूसेज करेंगे, फिर इज, एम, आर का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर टू का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर की मदद से हम किसी भी सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं कि मुझे घर जाना है। अब मान लीजिए मुझे घर जाना है, ये तो हमारी इच्छा है कि हम अपने इच्छा अनुसार घर जाना चाहते हैं। तो लास्ट में देखेंगे सेंटेंस के लास्ट में ना है, और इसीलिए इसका ट्रांसलेट हो जाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसमें आई, तो यहाँ पर लिखेंगे आई, फिर आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम एम का यूज करेंगे, फिर टू का यूज करते हैं, तो टू का यूज करेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है गो, उसके बाद टू हो गया, उसके बाद लास्ट में हाउस, तो हाउस देंगे। इस तरह इसका ट्रांसलेट हो गया, मुझे घर जाना है, आई एम टू गो टू हाउस। यदि सेंटेंस निगेटिव हो अर्थात मुझे घर नहीं जाना है, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएंगे आई एम नॉट गो टू हाउस। ये हो गया। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव में हो तो चलिए इंटेरोगेटिव में हम हिंदी बताते हैं। तो इंटेरोगेटिव में हो जाएगा कि क्या मुझे घर जाना है, लास्ट क्वेश्चन मार्क, और इसका ट्रांसलेट बन जाएंगे कि एम आई टू गो टू हाउस क्वेश्चन मार्क। और जो डब्ल्यू एन एच सेंटेंस है, डब्ल्यू एन एच सेंटेंस में हो जाएगा कि मुझे
घर कब जाना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क और इसका ट्रांसलेट बन जाएंगे कि व्हेन एम आई टू गो टू हाउस। तो इस तरह जो है आप बहुत ही आसानी से इज टू एम टू और आर टू का यूसेज करके किसी भी ट्रांसलेट को बना सकते हैं। और इससे आपको ये फायदा है कि कोई भी सेंटेंस जिस हिंदी वाक्यांश में ना है, नी है, ने है, उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। और साथ ही यदि कोई सेंटेंस इंग्लिश में ऑलरेडी लिखा हुआ हो तो आपको पता हो जाएगा कि उसमें एम टू, इज टू या आर टू का यूसेज क्या है, तो आप उसका हिंदी में आसानी से मीनिंग कर सकते हैं। और दूसरा फायदा आपका ये भी है कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग बोलना चाहते हैं जिसे नो आई एम टू गो टू हाउस कि अब जो है मुझे घर जाना है, तो आप जो है आसानी से इंग्लिश में बोल सकते हैं। जो स्ट्रक्चर हमने दिए अगर आप इस स्ट्रक्चर का फॉलो करते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि कैसे हम इज टू एम टू और आर टू का यूसेज करते हैं। तो चलिए आपको कुछ ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं जिसका कि आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल बता देते हैं। और आपको एक बात ये चीज इसमें ध्यान में रखना है कि ना है, नहीं है, नहीं है, आपके इच्छा अनुसार होगा। जैसे कि मुझे घर जाना है तो इसमें किसी का दबाव नहीं है कि मुझे घर जाना है, तो इसमें हो गया इच्छा अनुसार। तो चलिए कुछ यानी कि आपको एग्जांपल बता देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे पढ़ना है, नेगेटिव हो जाएगा मुझे नहीं पढ़ना है। इंटरोगेटिव हो जाएगा क्या मुझे पढ़ना है। डब्ल्यू एन एफ में हो जाएगा मुझे कब पढ़ना है। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल मुझे परीक्षा की तैयारी करनी है, मुझे परीक्षा की तैयारी नहीं करनी है। क्या मुझे परीक्षा की तैयारी करनी है, मुझे परीक्षा की तैयारी क्यों करनी है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा मुझे अब दौड़ना है, मुझे अब नहीं दौड़ना है। क्या मुझे अब दौड़ना है, मुझे अब कैसे दौड़ना है। नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा कि मैं मुझे खेलना है, मुझे नहीं खेलना है। क्या मुझे खेलना है, क्या मुझे यानी कि मुझे कब खेलना है। तो इस तरह जो है आप बहुत ही आसानी और बहुत ही सरल तरीके से किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हमने जो आपको इसमें हिंदी एग्जाम्पल दिए, तो आप इन सारे एग्जाम्पल को वीडियो पॉज करके जो है अपने कॉपी या अपने नोटबुक में आप उसे नोट कर सकते हैं और उसका मतलब उसे बनाने का कोशिश कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और एक नए मॉडल के साथ, एक नए यूसेज के साथ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस पूरे वीडियो को अगर शुरू से अंत तक देखे होंगे तो हमारे इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया तो आप जरूरी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर करना भी मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।